हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पब्लिक सेक्टर का मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में स्टडी किया था। पब्लिक सेक्टर क्या होता है कि जिसमें एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ही एंटरप्राइजेस को ओन करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ही उस पर पैसा लगाती है, जितने भी डिसीजंस लेने होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो सारे गवर्नमेंट ही लेगी। ठीक है, और उसको मैनेज भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की फॉर्म्स और उसके फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर की कौन कौन सी फॉर्म है। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एंड देन गवर्नमेंट कंपनी। तो ये तीन पब्लिक सेक्टर की फॉर्म्स हैं जिसके बारे में आज हम फर्स्ट फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इन दोनों फॉर्म्स के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो ये देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर की। ठीक है, सबसे पुरानी फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है कि डिपार्टमेंटल, जैसे कि नाम से ही इसके सजेस्ट हो रहा है कि एक डिपार्टमेंट होता है जो किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट के। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के, जिसको गवर्नमेंट ने ही एस्टैब्लिश किया है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का हम मीनिंग देखते हैं, इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज रन एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये एक ऐसी एंटरप्राइज है जिसको हम रन करते हैं, किस कैसे रन करते हैं, एक पार्ट के जैसे। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम इसको रन करते हैं। गवर्नमेंट ही इन डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश करती है अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। किसके डायरेक्शन में चलते हैं, जो भी उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर होंगे। जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट होता है, उसको रेलवे मिनिस्टर ही देखते हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट होती है, वो डिफेंस मिनिस्टर के अंडर होते हैं। और पोस्ट एंड टेलीग्राम जो होते हैं वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर के अंडर होते हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रेलवे, ये भी हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ये भी हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है। डिफेंस, ये भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ही आता है। ठीक है, तो इनको कौन हैंडल करता है, रेलवे का जो डिपार्टमेंट है वो रेलवे मिनिस्टर देखते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राम का कम्युनिकेशन मिनिस्टर, एंड डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज है वो डिफेंस मिनिस्टर ही देखता है। तो ये सारे क्या है, हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है जिनको गवर्नमेंट ने ही एस्टेब्लिश किया है। तो ये होता है कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, जिसमें गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करती है और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो इनको डायरेक्ट करते हैं, उनके अंडर ही इनकी एक्टिविटीज रन करती हैं। अब देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से क्या क्या फीचर्स होती हैं। फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को एज अ डिपार्टमेंट फॉर्म किया जाता है, किसके थ्रू, बाय द गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है और सबकी सब किसे एसोसिएट होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं मिनिस्ट्री से। ठीक है, मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड होते हैं जो भी इनसे कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट के लिए रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राम के लिए कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। तो इनकी फॉर्मेशन किसके कौन करता है, गवर्नमेंट करती है एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वन इज ओनरशिप। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। इनका मैनेजमेंट कौन करता है, जो भी इनसे रिलेटेड मिनिस्टर्स होते हैं वो इनका मैनेजमेंट करते हैं, वही इनको मैनेज करते हैं। और जो भी इस डिपार्टमेंट का हेड होगा, सेक्रेटरी होगा, उसको इसका CEO बना दिया जाएगा, फिर वो इसको मैनेज करता है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग। इनकी जो फाइनेंसिंग है वो कहाँ से होती है, गवर्नमेंट से होती है। गवर्नमेंट इनको पैसा देती है, क्योंकि जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की इनकम होती है वो किसके हिस्से में जाती है, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाती है। और गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेती है, पब्लिक से पैसा लेती है। बट जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, वो पैसा कहाँ से लेती है, गवर्नमेंट से। जब गवर्नमेंट अपना बजट पास करती है तो उसमें पहले ही अलॉट कर दिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट को हमने इतनी कैपिटल देनी है। ठीक है, तो ये अपना पैसा कहाँ से लेती है, गवर्नमेंट से लेती है। इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, गवर्नमेंट से होती है। अपॉइंटमेंट्स, इसकी जो अपॉइंटमेंट्स होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वो किसके थ्रू होती है, UPSC के। ठीक है, यूनियन पब्लिक सिलेक्शन सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से। जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो UPSC और SSB के थ्रू होती हैं।
बट जो रेलवे डिपार्टमेंट होता है उसका खुद का अपना एक डिपार्टमेंट होता है अपॉइंटमेंट्स के लिए, वो है रेलवे सर्विस कमीशन। ठीक है, उसके थ्रू ही इसमें अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो जो भी इसमें अपॉइंटमेंट होंगी, जो भी इनमें अपॉइंट किया जाएगा वो क्या माना जाएगा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं उनका खुद का कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस किससे जुड़ी हुई होती है, गवर्नमेंट से। इनकी खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट की फॉर्म में बने होते हैं, इनको गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है। तो इनकी अपने खुद के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती और बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के ये किसी पे भी केस फाइल नहीं कर सकते और ना ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे कोई भी पर्सन केस फाइल कर सकता है, क्योंकि इनकी खुद की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये गवर्नमेंट के फॉर्म में ही बने होते हैं। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इनकी खुद की कोई ऑटोनॉमी भी नहीं होती क्योंकि इनको कौन एडमिनिस्ट्रेशन इनका कौन चलाता है, गवर्नमेंट ही चलाती है। जितने भी डिसीजन लेने होते हैं गवर्नमेंट ही लेती है, इसमें गवर्नमेंट का पूरा पूरा इंटरफेयर होता है। तो ये थे इसके फीचर्स। एक बार और रीड आउट कर लेते हैं कि इसको फॉर्म कौन करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ओनरशिप किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। मैनेजमेंट कौन करता है, जो भी इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी वही इसको मैनेज करेगी। फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, इसकी फंड कहाँ से मिलता है, इसको गवर्नमेंट से मिलता है। अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है, इसकी यूपीएससी और एसएसबी के थ्रू। इसका कोई खुद का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट के फॉर्म में बना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इसकी खुद की कोई ऑटोनॉमी नहीं होती, इसमें गवर्नमेंट का पूरा पूरा इंटरफेयर होता है। तो अब फीचर्स के बाद अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्या क्या मेरिट्स होते हैं और क्या क्या इसके डीमेरिट्स होते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की फीचर्स के बाद अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मेरिट्स। फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन। कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की जो फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही इजी होती है क्योंकि इसको कौन फॉर्म करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट को किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी या फिर पेपर वर्क को कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गवर्नमेंट जब भी चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के साथ डिपार्टमेंट को फॉर्म कर सकती है, तो इसकी फॉर्मेशन में किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। सेकेंड इज इफेक्टिव कंट्रोल। जितनी भी एक्टिविटी होती है इसके अंदर उन पे कंट्रोल जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी वर्क किया जाता है वो किस अकॉर्डिंग किया जाता है, जो भी मिनिस्ट्री ने रूल्स डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। और वर्क किसके थ्रू किया जाता है, जो भी ट्रेंड और वेल एजुकेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एन इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी अचीव्ड। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के पास पैसा आता है, जो भी इनकम आती है, जो भी रेलवेज के पास पैसा आता है, ठीक है, जो भी हम टिकट्स खरीदते हैं या फिर पोस्ट एंड टेलीग्राम से जो भी पैसा आता है, तो वो डिपार्टमेंट में नहीं रहता है, वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के हिस्से में जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। तो इससे गवर्नमेंट की इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में इनकम होगी, जितना भी वहाँ पे पैसा आएगा रेलवे डिपार्टमेंट से या फिर कोई और डिपार्टमेंट से, जितना भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है, गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। इससे क्या होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, कि जब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की इनकम बढ़ जाती है तो जो पब्लिक से गवर्नमेंट टैक्स लेती है उनका बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर देती है, फिर टैक्स जो है कम कर देती है। जब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की इनकम बढ़ जाती है तो इससे पब्लिक पे टैक्स का बर्डन कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इजी फाइनेंसिंग। इसकी फाइनेंसिंग जो है बहुत ही इजी होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, क्योंकि सारा पैसा कहाँ से आना है, गवर्नमेंट से आना है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में फंड्स होते हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि सारा वर्क सारी एक्टिविटीज किसके अंडर होनी है, मिनिस्ट्रीज के अंडर होनी है, जो भी उन्होंने रूल्स डिसाइड किए हैं उनके अंडर होनी है। तो इससे किसी भी तरह का मिस यूटिलाइजेशन नहीं होता फंड्स का। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के मेरिट्स के बाद अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। इसमें क्विक डिसीजंस लेने की कमी होती है, यानी कि प्रॉम्प्ट होता है, क्विक एक्शन लेने की कमी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है,
फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं, रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रख के ही कोई डिसीजन लिया जाता है, तो जिससे क्या होता है कई बार इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में डिले हो जाता है और हमारी प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस हो जाती है। तो इसकी सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि इसमें क्विक डिसीजन लेने की कमी होती है। आगे है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही रिजिड होता है, जिसको हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर हो वो फ्लेक्सिबल हो, जिसको हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। बट गवर्नमेंट सेक्टर में ये कमी होती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इंसेंटिव। जितने भी पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होती हैं, उनमें इंसेंटिव की कमी होती है। उनमें इंसेंटिव की कमी क्यों होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि इससे इसका क्या मेरिट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्या बेनिफिट होता है कि इससे गवर्नमेंट की इनकम जो है इंक्रीज होती है, तो ये हमने पढ़ा था। तो इसमें इंसेंटिव की कमी क्यों होती है कि जितना भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को पैसा मिलेगा, जितनी भी उनकी इनकम इंक्रीज होगी, वो कहाँ पे जाएगी, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगी। तो डिपार्टमेंट को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, चाहे उनको जितना मर्जी प्रॉफिट हो। तो इससे इसकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। सपोज दैट आप खुद से ही लगा लो, अगर आप कोई काम कर रहे हो बट उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिलने वाला, किसी और को मिलने वाला है, तो आप मोटिवेशन के साथ काम करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने सिर्फ काम करना है, रिवॉर्ड तो किसी और को मिलना है। तो ऐसा ही डिपार्टमेंट्स में भी होता है। डिपार्टमेंटल में क्या होता है कि अगर इनकी इनकम इंक्रीज होती है, अगर इनका प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो वो किसके खजाने में जाएगा, गवर्नमेंट की खजाने में जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा। तो जिससे यहाँ पे जितने भी इम्प्लॉयज होते हैं या फिर जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, उनमें इंसेंटिव की कमी होती है। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स। अब जब उन्हें इंसेंटिव की कमी है, उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से किसी तरह कोई मतलब ही नहीं है, वो इस पर ध्यान नहीं देते, तो उनमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स की भी कमी होती है, चाहे फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट और उनके नीड्स को भी अनदेखा कर देते हैं, तो उनमें कॉम्पिटेटिव फीलिंग्स की भी कमी होती है। एक वजह और होती है कि इसमें जो प्रमोशन होता है वो सीनियरिटी के बेस पे होता है, कि जो भी वहाँ पे सीनियर होता है उसको ही प्रमोशन मिलेगा। अब सपोज दैट कि वहाँ पे दो पर्सन जो है एक साथ अपॉइंट किए गए हैं, अब उन दो में से एक जो है वो ज़्यादा काम करता है और एक कम करता है, बट 4 साल के बाद उन दोनों को ही प्रमोशन मिल जाती है, तो इनमें कॉम्पिटिशन कहाँ से रहा है। उसको भी पता है कि मुझे प्रमोशन मिलनी है, दूसरों के भी पता है कि मुझे इतने साल बाद प्रमोट हो ही जाना है, तो ऐसे में उन्हें कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स की कमी होती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। अगर गवर्नमेंट को लॉस होता है तो इससे पब्लिक पे टैक्स बर्डन भी इंक्रीज हो जाता है। अब आप सोचोगे कि हमने मेरिट्स में तो पढ़ा था कि टैक्स बर्डन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और यही पॉइंट हमारे लिमिटेशन में भी आ गया, अपोजिट हो गया कि इससे टैक्स बर्डन इंक्रीज हो जाता है। बट एक बार ध्यान से देखो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, कि अगर गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इससे पब्लिक पे टैक्स बर्डन भी कम हो जाता है, फिर क्योंकि गवर्नमेंट सारे खर्चे अपने कहाँ से पूरे कर लेते हैं, ट्रेजरी से पूरे कर लेते हैं, हमको वहां से पैसा मिल जाता है, फंड मिल जाता है, अच्छा। बट अगर गवर्नमेंट सेक्टर को या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स लॉस में चले जाते हैं, तो उस लॉस को कहाँ से कॉम्पनसेट करके, कहाँ से पूरा करते हैं, पब्लिक से टैक्स लेकर। तो अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को लॉस होता है तो इससे पब्लिक पे टैक्स बर्डन भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जितनी भी यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज रन करती हैं, उनमें गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेयर होता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि इनका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही इनको गवर्न करती है। जितने भी डिसीजंस होते हैं वो किसके थ्रू लिए जाते हैं, मिनिस्ट्री के, ठीक है, और मिनिस्ट्री किससे रिलेटेड होती है, पॉलिटिकल पार्टी से होती है। तो कई बार फिर वो क्या करते हैं, मिनिस्ट्री भी अपने पॉलिटिक्स को ही वो ज्यादा बेनिफिट देती है और कंट्री को कम ध्यान रखती है। नेक्स्ट वन इज रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मीन्स कि इसमें जो वर्क होते हैं वो कभी भी पूरा नहीं होता, या अगर हमने किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट की है या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादा पेपर वर्क के कारण या फिर ज्यादा फॉर्मेलिटीज के कारण काम कभी पूरा होने में नहीं आता। तो इसे क्या करते हैं, सभी फाइलों का ढेर बना के उसको रेड टेप
से टाई करके फेंक दिया जाता है, जिससे उस काम पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये किस चीज को क्रिएट करता है? रेड टैपिज्म को क्रिएट करता है, जिससे वर्क कभी भी पूरा होने में नहीं आता। आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में कम ध्यान दिया जाता है और प्राइवेट सेक्टर में वही काम बहुत जल्दी निपट जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस पर फोकस करता है, गवर्नमेंट सेक्टर उस पर फोकस नहीं करता। तो ये थे इसके लिमिटेशन सर। एक बार और रीड आउट कर लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन जो है वो बहुत ईजी होती है, कंट्रोल जो है इफेक्टिव होता है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को फायदा हो रहा है तो वो किसके खाते में जा रहा है? गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। अगर गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है तो टैक्स बर्डन डिक्रीज हो रहा है लोगों पर। इजी फाइनेंसिंग, इसकी फाइनेंसिंग बहुत इजी होती है क्योंकि इसको पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो अंडर कंट्रोल रहती है, तो जिससे कोई भी मिस यूटिलाइजेशन। लिमिटेशन को भी एक बार और रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें क्विक डिसीजन लेने की कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिटीज ज्यादा पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। मैनेजमेंट भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, रूल्स अगर एक बार बना दिए गए हैं तो उनको इजीली चेंज नहीं किया जाता। इंसेंटिव की कमी होती है, क्योंकि सारा प्रॉफिट, जितना भी डिपार्टमेंट्स को प्रॉफिट होना है वो कहाँ पे जाएगा? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। लैक ऑफ कॉम्पिटेटिव फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि प्रमोशन तो उनको मिल ही जाना है, ना उन्हें प्रॉफिट से मतलब है, ना ही उन्हें लॉस से मतलब है। कई बार वो कंज्यूमर्स को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर डिपार्टमेंट्स को लॉस हो रहा है तो इससे टैक्स बर्डन भी इंक्रीज होगा, ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है, और जो वर्क है वो रेड टैपिज्म को ये चीज राइज करती है, क्योंकि जो हमारा वर्क है वो कभी भी खत्म होने में नहीं आता, उस पर फोकस किया ही नहीं ज्यादा पेपर वर्क के कारण। तो ये था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अपकमिंग वीडियो में हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।